ओडिशा विधानसभा में बजट सत्र के दूसरे दिन कांग्रेस और बीजेपी के विधायकों ने जमकर हंगामा किया। कांग्रेस विधायकों ने राज्य सरकार पर किसान विरोधी होने का आरोप लगाया तो बीजेपी ने सीबीआई बनाम कोलकाता पुलिस विवाद में नवीन पटनायक पर ममता बनर्जी को समर्थन देने का आरोप लगाकर प्रदर्शन किया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक पर हमला करते हुए बीजेपी के विधायकों ने ओडिशा विधानसभा में जमकर प्रदर्शन किया। मंगलवार को सदन के वेल में आकर बीजेपी के विधायकों ने जमकर नारेबाजी करी। बीजेपी का आरोप है कि चिटफंड मामले में राज्य की बीजू जनता दल सरकार ममता बनर्जी का समर्थन कर रही है, लेकिन बीजेपी ने भाजपा के इन आरोपों को गलत बताते हुए कहा कि उनकी पार्टी ने ममता बनर्जी का समर्थन नहीं किया है। हालांकि बीजेपी का आरोप है कि चिटफंड घोटाले में बीजेडी के कई नेता शामिल हैं और राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक घोटाले के दोषियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उड़ीसा सरकार ममता बनर्जी को समर्थन दे रहे हैं। महताब जी जो पार्लियामेंट के सांसद है, उन्होंने लोकसभा में कल बयान दिए सीबीआई के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ। यहाँ उड़ीसा में भी ऐसा स्थिति है कि सीबीआई जो इंक्वायरी चला रहे हैं उसमें उड़ीसा सरकार जैसे सहयोग करना चाहिए, उड़ीसा सरकार खिलाफ में जा रहे हैं इसलिए कि उनका लोग अरेस्ट हो जाएंगे। नवीन पटनायक का सरकार वो प्रोत्साहित किया है चिटफंड लुटेरा लोगों को, कंपनी लोगों को, उनके लोग उसमें शामिल हैं, नवीन निवास के घर के लोग शामिल हैं, तो इसके लिए सरकार के खिलाफ हमने नाराबाजी किए और सरकार इसमें शामिल है। सीबीआई इंक्वायरी और जोर से जोर करने के लिए हमने डिमांड उठाए। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का कहना है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने जिस तरीके से किसानों की कर्ज माफी की, उसी तर्ज पर ओडिशा सरकार को भी किसानों का कर्ज माफ करना चाहिए। कांग्रेस के विधायकों ने राज्य की बीजेडी सरकार पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए सदन में विरोध प्रदर्शन किया। फार्मर्स के जो हक है उसके लिए जैसे केंद्र में बीजेपी सरकार और राज्य में बीजेडी सरकार फार्मर्स का इश्यू को अवॉइड कर रहे हैं, लोन वेवर का इश्यू हो, एमएसपी प्राइस हो, फार्मर्स का इश्यू को लेके हम असेंबली में बंद किए हैं। मंगलवार को ओडिशा विधानसभा में बजट सत्र का दूसरा दिन था और कांग्रेस और बीजेपी के विधायकों के प्रदर्शन के चलते सदन की कार्यवाही को दो बार स्थगित करना पड़ा, जिसके बाद राज्य की बीजेडी सरकार ने कांग्रेस और बीजेपी पर सदन की कार्यवाही में बाधा डालने का आरोप लगाया। अंकुश चौबे, गो न्यूज़।